दोस्तों देखिए, ये एलईडी बल्ब का जो ये सर्किट है, इसमें यहाँ पर देखिए ये जो एमओबी लगा हुआ है, ये देखिए जलकर फट गया है, देख लीजिए। इसके जलने और फटने से क्या होता है कि ये वाला रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है। इस तरह का एमओबी हाई वोल्टेज आने पर इस सर्किट को बचाता है। अब देखिए यहाँ पर भी ये एमओबी देखिए आपको दिख रहा होगा, ये फट गया है यहाँ पर, यानी कि ये एमओबी ख़राब हो गया है। तो कोई भी एमओबी हो जो लगा हुआ रहता है, जब हाई वोल्टेज आता है तो वो इस तरह से फट जाएगा या जल जाएगा, तो एमओबी ख़राब माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फटा हुआ है, तो इसके फटने या जलने कारण ये रेजिस्टेंस हमेशा ख़राब हो जाएगा। तो जब एमओबी ख़राब होगा तो आपको रेजिस्टेंस भी बदलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला एमओबी और ये रेजिस्टेंस दोनों ही बदल कर नया लगा देना है, और इसमें भी एमओबी और रेजिस्टेंस को बदल देना होगा, तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए मैं इस एमओबी और इस रेजिस्टेंस को, यानी कि ये वाला एमओबी और ये रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ, और इसमें भी इस एमओबी और इस रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या करना है। देखिए मैंने एमओबी और रेजिस्टेंस को निकाल दिए हैं इस सर्किट से, और इन दोनों एमओबी को अब ध्यान से देखिए, ये वाला एमओबी देखिए किस प्रकार से फटा हुआ है, देख लीजिए, और इस एमओबी को भी देखिए ये भी किस तरह से फटा हुआ है। अगर किसी भी एलईडी बल्ब का एमओबी ख़राब हो जाता है तो ये वाला रेजिस्टेंस 100% ख़राब हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो एमओबी है, अगर आपको इस तरह का एमओबी बाज़ार में नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, क्या आप एलईडी बल्ब को फेंक देंगे? ऐसा नहीं करना है। बिना एमओबी, बिना रेजिस्टेंस का भी एलईडी बल्ब को जलाया जा सकता है। फेंकने से तो अच्छा है कि आप बिना एमओबी, बिना रेजिस्टेंस का ही एलईडी बल्ब को जला लें। मैंने तो एमओबी और रेजिस्टेंस दोनों को बाहर सर्किट से निकाल दिए हैं, तो क्या इसे निकालने के बाद ये वाला एलईडी बल्ब काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। मैं आपको इसे जलाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सही जल रहा है। जब आपके घर में हाई वोल्टेज आएगा तभी इस एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम आ सकता है, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसे भी मैं जला कर दिखा देता हूँ, ये भी बिल्कुल सही काम करेगा। मैं इसे सीरीज लाइन से चेक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको भी सीरीज लाइन से ही चेक कर देखना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट लाइन में चेक करें, जिससे कि एलईडी बल्ब में अगर कोई और प्रॉब्लम होगा तो सर्किट खराब होने का डर रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वायर जोड़ देना है। ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये रेजिस्टेंस के जगह पर आपको वायर जोड़ देना है। अब देखिए मैंने इसमें वायर लगा दिए हैं, इस तरह से आपको भी वायर लगाना है। ये मैंने थोड़ा लंबा वायर लगाया है, आप अपने हिसाब से वायर लगा लीजिएगा, जिस साइज का आपको वायर लगाना होगा। ठीक है, और इसे इसमें अच्छी तरह से फिट कर देना है। जब इसमें अच्छी तरह से फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से एलईडी बल्ब को बिल्कुल ही मुफ्त में बना सकते हैं। अगर आपको बाजार में एमओबी नहीं मिलेगा तो एलईडी बल्ब को फेंकने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से एलईडी बल्ब को बना लें। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।